सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आसराबुल और आप देख रहे हैं आसराबुल टेक। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 GB डाटा दोस्तों आप पूरा दिन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप दोस्तों पूरा दिन देखोगे लेकिन दोस्तों फिर भी 1 GB डाटा जो है वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पर डे 1 GB मिलता है, अगर आप 1.5 GB मिलता है तो सब किस तरीके से पूरा दिन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ, अगर आप उसे ऑन करोगे तो आपको जो 1 GB डाटा है वो पूरा दिन चलने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों आप जो भी यूज़ करते हो, चाहे यूट्यूब या फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ठीक है दोस्तों 1 GB डाटा से जो है आप सब देख सकते हो। ठीक है, 1 GB डाटा ख़त्म नहीं होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। एंड शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इतना इन्फॉर्मेशन वीडियो में लाता रहता हूँ लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो सेटिंग है वो है दोस्तों प्ले स्टोर का। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर आपको ओपन कर रहा है, सिंपल सा यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। अगर आपको 1 GB डाटा मिलता है पर डे तो भी इस सेटिंग को करना, या आपको जितना भी मिलता है, अगर आप देखना चाहते हो, पूरा दिन देखना चाहते हो फिर भी MB ख़त्म ना हो तो ये सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर को आप जैसे ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों लोगों पर क्लिक करना है, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों सिंपल से आपको फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो 1 GB मिलता है, आपको 1.5 GB मिलता है, आप पूरा दिन देख सकते हो। ठीक है, विदाउट टेंशन के दोस्तों। देखो यहाँ पर जो जब आप ओपन करोगे यहाँ पर एक मिलेगा सेटिंग वाला ऑप्शन, सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको 2 नंबर पर मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक आएगा ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस एंड, और एक का ऑटो अपडेट ऐप्स एंड ऑटो प्ले वीडियोस एंड। दोस्तों यहाँ पर जो है और भी कई सारा मिल जाता है एंड दोस्तों यहाँ पर जो है, ठीक है, जो बताता हूँ सिंपल से वो करना है। देखो जब यहाँ पर आओगे उसके ऊपर क्लिक करोगे इसके, उसके बाद जो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑटो अपडेट ऐप्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक आएगा अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई, मतलब कि ये सब चलने वाला है, ये सब आएगा। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर आएगा दोस्तों डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर जो है साफ साफ बता रहा है कि ऑटो अपडेट ऐप्स, मतलब कि कोई भी ऐप अगर अपडेट आता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है बहुत सारा भी ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि भाई मैं तो यूज़ ही नहीं किया मोबाइल, मतलब कि डाटा ख़त्म हो गया, मैं मोबाइल यूज़ भी नहीं किया। ठीक है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है, फिर देखा कि भाई ऐसा से गलती किया था मैंने। ठीक है, तो आपको भी ये गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपल सा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी अपडेट आया है, ठीक है, जो भी ऐप अपडेट आया है आप खुद से अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आपको आप विदाउट, मतलब कि जो है ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। ऑटोमेटिकली अपडेट में क्या होता है कि दोस्तों आप जो यूज़ नहीं करते एप्लीकेशन, ठीक है, जो आप यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, वो मतलब जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, या कोई भी एप्लीकेशन मतलब कि परमिशन के बिना अपडेट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि विदाउट मेरे परमिशन के जो है ऐप अपडेट ना हो, क्योंकि अगर ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट होगा तो MB सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको सिंपल सा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो ऐप है वो ऑटो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं किया लेकिन फिर भी मतलब कि डाटा जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐप अपडेट आया है वो ऑटोमेटिकल अपडेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डोंट अपडेट ऐप्स ऐप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटो प्ले वीडियोस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपसे आपके अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑटो प्ले वीडियोस एट एनी टाइम डाटा स्टार्ट में अप्लाई। ठीक है, एंड ऑटो प्ले वीडियोस ओवर वाईफाई ओनली। ठीक है, आपको करना क्या है, डोंट ऑटो प्ले वीडियो बस क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो सिंपल सा फिर से कर देता हूँ, डोंट ऑटो प्ले वीडियोस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक जो कर देना है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ऑटो प्ले वीडियो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, प्ले स्टोर में बहुत सारा ऑटो प्ले वीडियो होता है, नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर का तो सेटिंग हम लोग कर लिया। ठीक है, प्ले स्टोर का सेटिंग कर लिया। अभी दोस्तों दूसरा सेटिंग जो है वो है दोस्तों यूट्यूब का। कई बार दोस्तों हम लोग यूट्यूब भी यूज़ करते हैं एंड यूट्यूब में यूज़ करने पर जो है MB भी बहुत सारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कई शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप यूट्यूब देख रहे हो,
अचानक से एमबी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मतलब कि बहुत जल्दी एमबी ख़त्म हो जाता है। तो सिंपल सबको करना क्या है दोस्तों, ये न्यू अपडेट है तो सेटिंग पर क्लिक कर देना है, यूट्यूब का जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाटा सेविंग का, ठीक है, डाटा सेविंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो डाटा सेविंग के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो एक ऑप्शन आएगा डाटा सेविंग मोड, ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट सेटिंग टू सेव मोबाइल डाटा, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल सा इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। यह सब जैसे इनेबल करेंगे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सब इनेबल हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग, रेटोज, वीडियो क्वालिटी, रेटोज डाउनलोड क्वालिटी, सब कुछ यहाँ पर जो है ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो मतलब कि सही रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन ज़्यादातर सही रहता है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वालिटी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों आपका जो डाटा जो है वो सेव हो जाता है। कई बार यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं देखते हो, एक ही वीडियो देखते हो लेकिन पता नहीं यार कैसा एमबी चला जाता है, ठीक है। यूट्यूब में भी बहुत एमबी चला जाता है, वीडियो एक ही देखते हो लेकिन एमबी बहुत जाता है। इसलिए दोस्तों इसे आपको ऑन कर देना है, इसे आप ऑन करोगे तो बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब कि समझ सकती हो सिर्फ वही वीडियो का जो है एमबी लेगा है और वीडियो का नहीं लेगा, ठीक है। मतलब जो एक वीडियो जब यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब एक वीडियो देखते हैं तो पता नहीं यूट्यूब में भी बहुत सारा एमबी खा जाता है, ठीक है, मोबाइल डाटा खा जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाटा सेविंग मोड ऑन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो यूट्यूब है ज़्यादा एमबी नहीं खाएगा, ठीक है। आप जो 1 GB पाते हो, ये 1 GB मिलता है आपको या 1.5 GB आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सेटिंग है वो है दोस्तों फेसबुक का। अभी देखो आप सोच रहे होंगे कि यार फेसबुक, यूट्यूब, प्ले स्टोर एक की क्या बता रहा है। देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत लोग फेसबुक यूज़ करता है, ज़्यादातर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, ठीक है, इंस्टाग्राम एंड प्ले स्टोर भी यूज़ करता है। ये चार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत लोग यूज़ भी करता है, इसलिए मैं ये चार ही का ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी एमबी जाता है ये चार ही में ही जाता है, ठीक है, ये चार चीज़ में ही जाता है। तो सिंपल सा वो करना क्या है, फेसबुक ओपन करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मीडिया के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाटा सेवर यूज़ अप टू 40% लेस डाटा बाय रेडोशन वीडियो क्वालिटी, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नए बार ऑटो प्ले वीडियोस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखो यूट्यूब में क्या है, मतलब कि फेसबुक में क्या है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करें नेबर ऑटो प्ले वीडियोस पर। देखो फेसबुक पे क्या होता है कि जब हम वीडियो देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिकली जो है प्ले हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है जिससे एमबी भी थोड़ा बहुत खर्च होता है। इसके लिए दोस्तों आपको जो है नेबर ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक कर देना है एंड डाटा सेविंग मोड ऑन कर देना है यहाँ से, ठीक है। यही दो सेटिंग फेसबुक का कर लेना है आपको, सिंपल सा फेसबुक से बाहर आ जाते हैं आप, ठीक है, आप इंस्टाग्राम, क्योंकि अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम भी जो है बहुत लोग यूज़ करता है। तो इंस्टाग्राम दोस्तों यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम में भी एक मोड होता है जो कि आपको ऑन करना चाहिए, बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम पर ये सब एप्लीकेशन यूज़ करता है, ठीक है, एंड ये सब एप्लीकेशन में जो है एमबी खर्च होता है, इसलिए ये सब एप्लीकेशन में जो है आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सबको कर रहा है। सिंपल सा इंस्टाग्राम ओपन करना है, सेटिंग पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर डाटा यूजिंग एंड मीडिया क्वालिटी इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाटा सेवर का, ठीक है, डाटा सेवर पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड इट हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है, इसे आपको ऑफ कर देना है क्योंकि दोस्तों इसे अगर ऑन करोगे तो आपका जो अगर आप पोस्ट वगैरह अपलोड करते हो तो इसमें भी जो है हाई क्वालिटी में जाता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो तो हाईएस्ट क्वालिटी में जो है आपका जो वीडियो है वो अपलोड होता है, ठीक है, जिससे भी एमबी खर्च होता है। एंड ऐसे ही दोस्तों मतलब कि इंस्टाग्राम यूज़ करते भी मतलब इंस्टाग्राम यूज़ करने पर भी जो है एमबी खर्च होता है, इसलिए दोस्तों आपको डाटा सेविंग मोड ऑन करना, ये सब कंट्रोल करता है इंस्टाग्राम का, ठीक है, इसलिए यहाँ से इसको ऑन कर देना है। इस आप जैसे ऑन करोगे दोस्तों आपका जो झंझट है डाटा ख़त्म का वो दोस्तों एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी का टाइम पर 4-5 ही एप्लीकेशन जो है जो कि इंपॉर्टेंट है और सब लोग यूज़ करते हैं, जो भी एमबी जाता है इनमें ही जाता है, ठीक है, एंड ज़्यादातर तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि प्ले स्टोर जो ऑटो अपडेट है उसमें ज़्यादा जाता है। तो ऑटोमेटेड डोंट ऑटो अपडेट आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, अगर कुछ डिमांड करना चाहते हो, अगर कुछ वीडियो बनाकर चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना, ठीक है, अगले वीडियो उसी टॉपिक पर आएगा। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय।